को अपनी गद्दी से उठाने के लिए उनके ही प्रयास से उसका प्रचार और प्रसार किया। यही भूमि है
दुनिया भर के अंदर हिंदू धर्म के ध्वज को यही भूमि है। मैं गुजरात से आता हूं मित्रों, दूर सुदूर गुजरात तक शरद बाबू के ट्रांसलेशन पढ़ पढ़ के साहित्य के दीवाने मस्ती में झूमते हैं। ये शरद बाबू की भूमि है। अच्छा होगा भैया, नहीं आप सुन रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो? और क्या हो गया हमारे बंगाल, क्या हो गया पश्चिम बंगाल? सिंह इस तरह की बनाई है कि जितना बंगाल बचा है वो भी कहीं चला न जाए, इसके देश भर के लोगों को डर है। आधा तो चला गया, कहीं अभी तो नहीं चला जाएगा। इस प्रकार की स्थिति बनाई। और मित्रों मैं मानता हूं हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लड़ाई लड़ने के तौर तरीके बदल गए। एक जमाने में तीर तलवार और तोपों से लड़ाइयां होती थी, आज बच्चों के मोबाइल से लड़ाइयां होती है। हमारा कार्यकर्ता, एक हमारा साइबर योद्धा हमारे संदेश
देश को गांव में पहुंचाने का दम कम रखता हो तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये करना है तो हमारे सोशल मीडिया के काम को फैलाना पड़ेगा, उसको नीचे तक इसका टेलीविजन करना पड़ेगा, गहरी पेड़ बनानी पड़ेगी, इसकी नींव को और गहरी बनानी पड़ेगी, तभी जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, बंगाल के मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, जनमत को हमारे साथ करना है, पश्चिम बंगाल और देश की जनता को हमारे साथ करना है, तो इस सोशल मीडिया से बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता, मगर वो तभी हो सकता है जब हमारी ताकत पूरी हो। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ भैया, आग ताकतवर होती है या हवा ताकतवर होती है? कोई आग वाले है? आग वाले भी है ना, ऊपर भी बताओ, आग बड़ी होती है या हवा बड़ी होती है? ज्यादातर लोग हवा कहते हैं। अब मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं, एक दीपक जल रहा होता है, बाती लगी होती है, बाती में आग, तभी जाकर दीपक अंधकार का दूर करता है, अंधकार को दूर करता है, उस पर फूंक लगाओगे तो क्या होगा? बाती घुस जाएगी, घुस जाएगी ना, इसलिए आप कह रहे हो कि हवा ताकतवर होती है। ठीक है, एक झोपड़ पट्टी है, झुकी झोपड़ी है, ढेर सारी झोपड़ियां साथ में लगी है, वहां पर एक झोपड़ी में आग लग जाए और तेज हवा आ जाए तो आप फैलेगी या बुझ जाएगी? तो ताकतवर कौन है? ना आग ताकतवर है ना हवा ताकतवर है, जिसमें दम हम फैलने का होता है। दिल में कितना जज्बा है, कि दिल में कितना जुनून है, विरोधियों को उठाए कर फेंक देने का सीमा होता है। और अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो विचारों से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, विजय प्राप्त करनी है तो कार्य योजनाओं से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, विजय प्राप्त करनी है तो अपने आप को फैला देना पड़ेगा। बंगाल के अंदर एक भी गांव ऐसा न हो जहां मेरी साइबर योद्धा को भाई या बहन बेटा न हो, इस प्रकार से करना है तो काम का सूक्ष्म आयोजन करना है। सिर्फ भावनाओं से नहीं होता, भावनाओं से भवन नहीं बनते हैं, भवन बनाने के लिए ईंट चूना पत्थर सीमेंट कलर सब लगता है, लगता है ना? मेरी भावना करके बड़ा कार्यालय बन जाए तो बन जाएगा? ईंट चाहिए ना, तो आपको भी फैलाने के लिए परिश्रम नाम की ईंट रखनी पड़ेगी, तब जाकर फैला। इससे सूक्ष्म आयोजन करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, दौरे करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारी सोशल मीडिया की जो हमारी आदि है हर गांव तक पहुंचती, उसको और ज्यादा इफेक्टिव करना पड़ेगा। और ज्यादा इफेक्टिव करना है तो उसका महीन सूक्ष्म माइक्रो प्लानिंग कर उसकी कार्य योजना बनाकर उसका बार बार रिव्यू कर उसको गति दे। और हमें फैलाना है तो स्वयं को, हमारी टीम को डेटा और रिसर्च, दो डेटा स्टोरेज और रिसर्च दोनों के माध्यम से समृद्ध करना। आज गुजरात की हमारी सरकार है, इसके यहां गूगल लाने की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटर पर चले जाओगे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात करके तो सारी चीजें नीचे आ जाएगी, हर गांव में बिजली है, हर गांव में पानी है, स्कूल है, इतनी कॉलेज है, इतनी मेडिकल सीट है, इतनी है, कुछ बाकी नहीं रहे, मिलेगा ना नहीं मिलेगा बताओ? हमारे पास एक रिसर्च टीम होनी चाहिए जो देश के विकास का, देश के राजनीतिक मुद्दों का, बंगाल की परिस्थिति का, बंगाल का हमारे शासन के साथ तुलनात्मक अभ्यास करकर रिसर्च करकर एक डाटा बनाए, और जो डाटा बनाया है उसको प्रयोग करने की आदत डालनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का डाटा इश्यू होगा, पीने के पानी की बात आएगी तो पीने के पानी का जवाब देना पड़ेगा, रोड की बात आएगी तो रोड का जवाब देना पड़ेगा। तो ये
अपनी टीम को अपने आप को रिसर्च और डाटा स्टोरेज के माध्यम से अपडेट करना। दूसरा, हमारे पास जो डाटा आया है, हमारे पास जो रिसर्च हमने किया है, इसको इंटरनल संवाद से, आंतरिक संवाद से नीचे तक, गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर बंगाल में कोई गांव के अंदर पीने का पानी नहीं मिलता है, वहां मालूम पड़ जाएगा कि गुजरात में और मध्य प्रदेश में हर गांव में शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, तो उनको भी होगा कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर मालूम पड़ेगा कि चुनाव हो गया गुजरात के अंदर और एक भी बूथ में रिपोर्टिंग नहीं हुई, एक भी पिस्तौल नहीं चली, एक भी बम नहीं फटा, एक भी जगह पे बूथ पर लूटपाट नहीं हुई, तो यहां के लोगों को लगेगा कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर आपके पास रिसर्च आया और इसमें मालूम पड़ा कि छत्तीसगढ़ के अंदर किसी ने अपना घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए किसी सिंडिकेट के तहत ईंट पत्थर चुना नहीं खरीदना है, तो उसको लगेगा कि छत्तीसगढ़ जैसी सरकार यहां पर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। ये कब लगेगा जब हम इसको गांव तक, नीचे तक फैला दें। तो दूसरा काम करना है इंटरनल संपर्क और संवाद से, इसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट की प्रचंड ताकत इस सत्य को नीचे तक पहुंचा सकते हैं। और तीसरा, हमारे काम का ज्यादा से ज्यादा फैलाव, हमारे काम का ज्यादा से ज्यादा फैलाव करना है तो कलकत्ते में बैठकर पश्चिम बंगाल के गांव तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये जो लोग बैठे हैं, इन्होंने हर तहसील का जिम्मा लेना पड़ेगा, हर जिले का जिम्मा लेना पड़ेगा, वहां एक टोली बनानी पड़ेगी जो हर गांव में जाएगी, गांव के अंदर किसके पास स्मार्टफोन है इसकी सूची बनाकर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, इसको अपने ट्विटर के अंदर, उसको अपने फेसबुक के अंदर जोड़ने की एक मुहिम चलानी पड़ेगी, आंदोलन तभी जाकर हमारा फैलाव। तो हमारे सोशल मीडिया राइटिंग के संगठन को बढ़ाने के लिए ये तीन महत्वपूर्ण बात के स्वयं का डाटा और स्वयं का रिसर्च, इससे अपने आप को अपडेट करना, इसमें टीम को शेयरिंग करना, इंटरनल संपर्क से इसको गांव तक पहुंचाना, इसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट खड़ी करना, और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा फैलाव करने के लिए हमारे आंतरिक संगठन को, हमारी पार्टी के सोशल मीडिया के संगठन को बढ़ाना। ये तीन माध्यम से हमारे सोशल मीडिया का फैलाव, और उसके बाद किसी काम को करने के लिए प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर, तीन प्रकार की टोलियां गठित करनी पड़ेगी। एक तो डेटा स्टोरेज और रिसर्च एनालिसिस के लिए एक टोली गठित होगी, दूसरी टोली विस्तार के लिए गठित होगी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी की साइबर आर्मी में भर्ती करे, और तीसरी टोली क्रिएटिव वाली बनानी पड़ेगी जो डेटा पड़ा है, जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो रोचक उसको रोचक बनाकर लोगों को पसंद आए ऐसी चटपटी तरीके से, क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग की क्रिएटिविटी से बनाकर लोगों के अंदर बंगाली भाषा में नीचे तक पहुंचाने का काम। और मैं बंगाली भाषा सोच समझ कर बोला, बंगाल के काम का विस्तार करना है तो अंग्रेजी भाषा में सोशल मीडिया को फैलाना छोड़ दो, बंगाल के अंदर नीचे तक पहुंचाना।
नीचे तक फैलनी चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। और एक लड़ाई ऐसी है, ये दो ही गुण चाहिए लड़ाई जीतने में। सोशल मीडिया की जो लड़ाई है वो जीतने में दो गुण चाहिए। पहला स्फूर्ति, जो त्वरित होगा वो जीत जाएगा, और दूसरा फैलाव, जिसकी बात का एक्सपांशन नीचे तक होगा वो जीत जाएगा। तो स्फूर्ति और फैलाव इन दोनों चीजों को हमने ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। जिसके पास ज्यादा डेटा है, जिसके पास रीडिंग के माध्यम से डेटा को रोचक बनाकर मनपसंद लोगों के साथ देखने में थोड़ा चाट मसाला डालकर रखने का, परोसने का दम कम है, और जो ज्यादा स्फूर्ति ला है वो ही इस युद्ध को जीतेगा। मित्रों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज मैं भाषण देने नहीं आया, इसीलिए मैंने आपको कैप करने के लिए बंद। ये सब मैं कल पुरुलिया में बोलने वाला हूं, तो बोलने में कोई डर नहीं है, डर नहीं है, उनके घर के सामने जाकर भी मैं बोल सकता। मैंने कैप करना इसलिए बंद करा था कि मन में उतारना है, मोबाइल में नहीं उतारना है। मन आपका खुला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के नाते मेरे इस विभाग के संगठन का फैलाव। और जब फैलाव करना है तो मेरा आग्रह है यहाँ के सोशल मीडिया के अध्यक्ष जी से, इसके बाद हर जिले का हमारा जो इंचार्ज है वो यहाँ बैठे, काम का विभाजन करे, इस प्रकार की टोलियां हर प्रदेश में और हर जिले में और हर मंडल में बने और नीचे तक पहुंचने का काम हम करें। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैं जब तक हूं तब तक करना चाहिए या मेरे जाने के बाद भी करना चाहिए? बाद में भी करना चाहिए ना, जरा जोर से बोलो, करना चाहिए ना। तो मेहनत के अलावा ईश्वर भी हमें आशीर्वाद दिए, सत्य के साथ जरूर होता है, मगर सत्य पुरुषार्थ नहीं करता है तो सत्य भी पराजित होने की पूरी संभावना है। विजय पुरुषार्थ ही दिला सकता है, विजय प्लानिंग ही दिला सकता है, विजय जीतने का जज्बा ही दिला सकता है, और कोई विजय नहीं। मैं कई चुनाव लड़ा हूं, कई चुनाव लड़ा हूं, विजय बचपन से लड़ते लड़ते आए, परंतु विजय पुरुषार्थ के अलावे नहीं मिल सकता है। ये विजय का मूल मंत्र है, ये हम सब ले ध्यान। और 19 का चुनाव है तो 2014 और 2019 के बीच में बहुत बड़ा अंतर आया। 2014 के चुनाव के पहले देश की स्थिति की कल्पना नहीं है, यहां भी देश की स्थिति 2014 के चुनाव के पहले देश की स्थिति सीमाओं की सुरक्षा नहीं थी, जवान सहमा सहमा वहां खड़ा था, महिलाएं सुरक्षित दिखने थी, एक के बाद एक 12 लाख करोड़ के कपड़े घोटाले होते थे, दुनिया में देश का सम्मान नहीं था, देश के प्रधानमंत्री दिनों तक कुछ बोलते ही नहीं, ये एक महीने रात इतने पड़ती, कुछ तो बोल जाए, कुछ तो बोल जाए। देश की सरकार इस तरह से चलती थी, हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था, प्रधानमंत्री को बिचारे को कोई बता नहीं। महिलाएं बेचैन थी, गांव के अंदर विकास रुका पड़ा था, थमा पड़ा था, और उस वक्त 2014 का चुनाव आया, देश भर में निराशा थी कि हमारा लोकतंत्र फेल कर जाएगा, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने जो बनाई है बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वो फेल कर जाएगी, गांव के अंदर पीने का पानी, गांव के अंदर बिजली, गांव के अंदर शौचालय, गांव के अंदर बैंक अकाउंट, गांव के अंदर टीका लगाना, गांव के अंदर रोजगार पहुंचाने कुछ संभव। इस प्रकार के निराशा के माहौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और हमारे और देखते देश भर के मूल के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन आया। जो युवा आक्रोशित होकर रैलियों में था वो नरेंद्र मोदी की रैली में आ गया, रोड पर से रैली में आया, सीमा के जवान का भी हौसला बढ़ा, महिलाओं के अंदर भी आशा पूरी होने लगी, व्यापारियों में भी हौसला बढ़ा, गांव के अंदर भी लगा कि मेरे
पूर्ण बहुमत दिया और 30 साल आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेस लीडर को पूर्ण बहुमत देने का काम किया और वो भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चार साल हो गए और आज स्थिति क्या है, पीछे मुंह कर देखते हैं 2013 से 2018 तक, 2014 की शपथ से लेकर 2018 में आज मैं जब कलकत्ते में खड़ा हूं तब तक नजर में आता है 4.5 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 7.5 करोड़ गरीब परिवारों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। मित्रों, शौचालय हमें छोटी चीज लगता है क्योंकि हमारे घर में नहीं है, जिस गरीब के घर में शौचालय नहीं है और 16 साल की बच्ची को खुले में शौच करने के लिए जाने पड़ता है, इसकी शर्म का कभी विचार। 7.5 करोड़ गरीब परिवारों की महिलाओं को, माताओं, बहनों को, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की गरीब को मिली है। 31 करोड़ लोगों को बैंक का अकाउंट दिया है, 2 करोड़ लोगों को अपना घर दिया है, 1 करोड़ लोगों के घर में बिजली देने का काम समाप्त कर दिया है, 18 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन का काम समाप्त कर दिया है, 19 करोड़ लोगों को बीमे से बीमा योजना से सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, 19,000 गांव ऐसे थे जहां पर 24 घंटा बिजली छोड़ो बिजली का खंभा भी नहीं था, 19,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है, सीमाओं को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गोलियां दिल्ली सामने से और अपनी राह देखते रह जाते थे, दिल्ली की ओर देखकर वो एक के बाद एक जवान शहीद होते थे, आज वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है। राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद भी दाओ परिषद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के।
विकास पर नरेंद्र मोदी ने विकास पहुंचाने उसको बैंक अकाउंट दिया, टॉयलेट दिया, उसको घर दिया, बिजली दी, रोजगार दिए, गैस का कनेक्शन दिया, उसके जीवन में स्वतंत्रता के मायने, स्वतंत्रता आजादी का मतलब क्या है, उसका भी तो नंबर लगना चाहिए। अब नरेंद्र भाई नई स्कीम लेकर आते हैं, 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का बीमा। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उतार कर देगी। टेस्टिंग कराना है,